देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीरिन। वक्त मॉर्निंग ब्रेकिंग का, और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, क्योंकि सरकार बनाने को लेकर अब शिवसेना और एनसीपी में सहमति बनती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वहीं अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आज ही संजय राउत सोनिया गांधी से मिलेंगे। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में शामिल शिवसेना के अरविंद सावंत भी इस्तीफा दे सकते हैं। कल देर रात उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में शिवसेना के नेताओं की बैठक चलती रही और करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली। चलिए फिलहाल अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे नित्यानंद, हमारे सहयोगी जुड़ गए। नित्यानंद, रात भर बैठक चली, उसके बाद आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, चूंकि 7:30 बजे आज शाम दावा पेश करेगी शिवसेना। जी बिल्कुल, आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी अहम है। कल जब बीजेपी ने ये बताया कि वो सरकार बना नहीं सकती, तो ऐसे में शिवसेना का मूवमेंट जो है काफी ज्यादा दिखाई देने लगा। आपको बता दें, रात को रिट्रीट होटल मलाड में जहां विधायक रुके हुए, वहां आनंद फानंद में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे जो है वो अपने घर मातोश्री पहुंचे और उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग हुई। और इससे पहले संजय राउत मीटिंग करके वहां से निकले। उनका ये कहना है कि जैसे कि उद्धव ठाकरे ने कहा सीएम शिवसेना का होगा, तो सीएम शिवसेना का ही होगा। पर आपको बता दें, राजनीतिक गतिविधि इतनी बढ़ गई है, शिवसेना खुलकर तो नहीं कह रही है, लेकिन जो हमें ये जानकारी मिल रही है कि शिवसेना एनसीपी के साथ सरकार बना रही है, कांग्रेस इसे बाहर से समर्थन देगी। एक राजनीतिक महाराष्ट्र में एक नया राजनीतिक समीकरण साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और अब आपको बता दें, मीटिंग का दौर जिस तरीके से रात भर लगातार जारी रहा, अब सुबह भी इसी तरीके से जो मूवमेंट है वो मातोश्री पर दिखाई देगा। और सबसे अहम बात है कि ये भी खबरें सूत्रों द्वारा आ रही है कि संजय राउत जो है वो सोनिया गांधी से मिलेंगे। और ये भी हमें अभी लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है कि शरद पवार के साथ वो जो है वो सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। लेकिन अभी तक आपको बता दूं, किसी भी प्रकार की औपचारिक बयानबाजी दोनों तरीके से नहीं आई है। जैसा कि राजनीति में अमूमन ये होता है कि पर्दे के पीछे जो होता है वो पर्दे के सामने नहीं कहा जाता, तो साफ तौर पर इसी तरीके से देखने मिल रहा है कि शिवसेना विपरीत विचारधारा वाली एनसीपी और कांग्रेस के साथ यही बहुत दिलचस्प है। चूंकि नया समीकरण विचारधारा हमेशा से अलग रही, लेकिन अब सरकार साथ में मिलकर बनाने का दावा जो कि आज शाम पेश करने जा रही है शिवसेना। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के इनकार के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार गठन को लेकर शिवसेना और एनसीपी के बीच सहमति बन गई है, जिसके मुताबिक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, जो हाईकमांड तय करेगा वही करेंगे। वही एनसीपी ने शिवसेना को एनडीए से बाहर आने पर समर्थन देने की बात कही है। हाई कमांड हमारी सुप्रीम है, जो भी हमारे एआईसीसी प्रेसिडेंट और हाई कमांड निर्णय लेगी, उस निर्णय के तहत हम चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर शपथ ले लेती है, सरकार स्थापित करती है, तो विधानसभा के पटल पर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे। ये हमारी पार्टी की स्पष्ट भूमिका है। पटल पे सरकार गिर जाती है तो निश्चित रूप से कोई पर्याय सरकार महाराष्ट्र के हित में बनाने के लिए हमारी पार्टी विचार कर सकती है। जनादेश होने के बावजूद भी उसका अनादर करते हुए शिवसेना ने साथ में सरकार बनाने के लिए अनिच्छा व्यक्त की, इच्छा नहीं है ऐसा कहा, इसलिए अब हम सरकार नहीं बनाएंगे। वही शिवसेना का कहना है कि जब बीजेपी सरकार बनाने से पीछे हट गई है, तो फिर उनका मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है? उनको अपना मुख्यमंत्री बनाना था। वो बार बार कहते हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनेगा। अगर वो पीछे हट गए तो सरकार कौन बनाएगा, उनका मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? सूत्रों के मुताबिक आज संजय राउत सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। इसके अलावा मोदी मंत्रिमंडल में शामिल शिवसेना के अरविंद सावंत भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। 12 नवंबर को एनसीपी विधायक दल की बैठक होगी। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी मारा गया है। आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद तलाशी अभियान चलाया गया और आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी चलाया जा रहा है। खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए। खालिद, अभी क्या अपडेट?
देखिए अभी भी ऑपरेशन इंटैक्ट है, ये दरअसल बांडीपुरा जिले का लेवडारा इलाका है जहां कल दिन 12 बजे कॉर्नल सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो करीबन 3:45 पर कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ जब मिलिटेंट्स ने सर्चिंग पार्टी में फायर खोल दिया, जवाबी कार्रवाई हुई। अब तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, हालांकि डेड बॉडी अभी रिट्रीव नहीं की गई है, लेकिन जो इनपुट है उसके मुताबिक 2 मिलिटेंट वहां पर फोन हो सकते हैं, इसलिए दूसरे की तलाश अभी जारी है। हालांकि रात भर ऑपरेशन जो है स्थगित रखा गया, अभी सुबह ऑपरेशन फिर रिज्यूम हुआ है, फिर से एक बार कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, जिससे ये स्पष्ट हुआ है कि एक मिलिटेंट अभी भी वहां पर है। अभी भी ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और ये मकान में आपको बता दूं अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है, जो अभी जिसमें अभी कोई नहीं रह रहा था, इसी में ये छुपे हुए थे, जिसको पूरी तरह से घेरे में ले लिया गया है और अभी तक भी ये ऑपरेशन जारी है। कल दोपहर 12 बजे से लेकर अब तक ये ऑपरेशन चल रहा है, एक के मारे आने की खबर है, एक अभी और उसमें हो सकता है। जी ठीक है खालिद, नजर रखिएगा, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब सुरक्षा बल लावदारा गांव में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद तलाशी अभियान चला रहे थे। तलाशी के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को मार गिराया गया है। पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छपे लेख के लिए नेशनल हेराल्ड ने माफी मांग ली है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छपे लेख के लिए कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड ने माफी मांग ली है। हेराल्ड ने कहा कि लेख से अगर किसी व्यक्ति या समूह की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं। हेराल्ड ने कहा कि हमारी किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की मंशा नहीं थी, बल्कि लेख में लेखक ने अपने निजी विचार लिखे थे। नेशनल हेराल्ड ने लेख को अब हटा लिया है। Why the Ayodhya verdict reminds us of the Supreme Court of Pakistan? ये जो अयोध्या का verdict आया है, जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये verdict दिया है, उससे कांग्रेस पार्टी के माउथपीस नेशनल हेराल्ड को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की याद आ जाती है। ये शर्मनाक है, ये धिक्कार के योग्य है कि कांग्रेस पार्टी का माउथपीस इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं छोटा दिखा रहा है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेशनल हेराल्ड ने एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें फैसले को लेकर भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तुलना पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। करतारपुर कॉरिडोर पर नवजोत सिंह सिद्धू के बयान के लिए बीजेपी ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की है। पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की तारीफ करने को लेकर बीजेपी ने उन्हें घेरा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सिद्धू ने करतारपुर जाकर न केवल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के गीत गाए हैं, बल्कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा का भी जमकर गुणगान किया है। हम चाहते हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि सोनिया जी, जो आज कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है, वो इसके लिए क्षमा मांगे। बीजेपी ने सिद्धू के पाकिस्तान दौरे पर खुद को 14 करोड़ भारतीय सिखों का प्रतिनिधि बताने पर भी सवाल उठाया है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में हुई हिंसा का जल्द राज खुल जाएगा। रविवार को सीबीआई की सीएफएसएल की टीम ने कोर्ट जाकर जांच की है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में हुई हिंसा की जांच के लिए सीबीआई की सीएफएसएल टीम ने कोर्ट जाकर जांच की। कोर्ट में इतनी भीड़ के बीच चली गोली आखिर वकील को ही कैसे लगी? क्या पुलिसकर्मी ने सीधे वकील को गोली मारी या फिर हवा में चलाई गई? क्या हालात इतने गंभीर थे कि गोली चलानी जरूरी थी? इन सभी बातों से सीबीआई की सीएफएसएल की टीम जल्द पर्दा उठाएगी। इस बीच आज और कल भी सभी अंडर ट्रायल कैदी दिल्ली की सभी 6 जिला कोर्ट में सुरक्षा की वजहों से पेश नहीं होंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेल जाकर ही सुनवाई करेंगे। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार को बढ़ावा दे रहे पाकिस्तान की एक और घटिया हरकत सामने आई है। पाकिस्तान की वायुसेना ने वॉर म्यूजियम में अभिनंदन के पुतले को कैदी की तरह दिखाया है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार को बढ़ावा दे रहे पाकिस्तान की एक और घटिया हरकत सामने आई है। पाकिस्तान ने वॉर म्यूजियम में भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का पुतला लगाया है, जिसमें एक पाकिस्तानी सैनिक उन्हें घेरे हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पत्रकार अनवर लोधी ने ट्विटर पर अभिनंदन की तस्वीर पोस्ट की है। लोधी ने लिखा है कि पाकिस्तानी सेना ने संग्रहालय में अभिनंदन का पुतला लगाया है,
इसे और दिलचस्प बनाया जा सकता था अगर पुतले के हाथ में शानदार चाय का कप पकड़ा दिया जाता। दूसरी तरफ पूरी दुनिया जानती है कि अभिनंदन ने पाकिस्तान के एक F-16 विमान को मार गिराया था। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में कई मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 52 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 30 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है जबकि 10 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रघुबर दास जमशेदपुर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे जबकि झारखंड बीजेपी अध्यक्ष चक्रधरपुर से चुनाव लड़ेंगे। लोहरदगा सीट की घोषणा फिलहाल लटक गई है। कांग्रेस ने भी अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।